दोस्तों, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है तो उसे आपको डाउनलोड कैसे करना है और उसका वैलिड तरीके से यूज़ कैसे करना है इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप पास आउट कर देते हो यानी ट्रायल जब देते हो और पास हो जाते हो, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके यानी आपके दिए हुए एड्रेस पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उस टाइम में आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इस मैं जो बताऊंगा उस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करके वैलिड तरीके से उसे जो है यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जो है यम परिवहन सेवा यानी आप जो है यम परिवहन यहाँ पे आपको टाइप करना है और ये वाला जो ऐप है यम परिवहन का आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम यहाँ पर यम परिवहन से यानी यम परिवहन ऐप जो है उसके माध्यम से आपको डाउनलोड करके बताएंगे और उसका यूज़ कैसे करना है ये भी बताएंगे। अगर आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखा है, आप जो है वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये यम परिवहन सेवा जो है यम परिवहन का आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसे सिंपली इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा। आपको यहाँ पर सिंपली लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर वाली साइड लेफ़्ट कॉर्नर में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको साइन इन या फिर आपको साइन अप कर लेना है। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको साइन इन कर लेना है मोबाइल नंबर फिल करके, या फिर आप नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंटिन्यू के नीचे, यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर फिल करके वहाँ से भी आप जो है साइन अप करके साइन इन कर सकते हैं। देखिए हमारा जो मोबाइल है वो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं हम देखेंगे, उसके बाद ही हम साइन इन या साइन अप करेंगे। शायद मेरा जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर है तो हम यहाँ से साइन इन करके देखेंगे। देखिए मोबाइल नंबर जो रजिस्टर नहीं है तो हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पे आई नीड एग्री अबाउ द टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट कर देना है। उसके बाद देखिए आपको जो है आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना है और यहाँ पर देखिए आपका नेम यहाँ पे फिल करना है, आपको कौन सा भी आप जो है नेम यहाँ से फिल कर देना है। आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पर देखिए आपका प्रोफाइल बन चुका है यानी आप जो है मोबाइल नंबर से साइन इन कर चुके हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस यानी इसके ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर RC है। अगर आप RC नंबर आपका है तो आप उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस DL पे सेलेक्ट करना है या फिर आप DL डैशबोर्ड पे चले जा सकते हैं। और यहाँ पर DL डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए प्लीज़ नोट ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म आर द गेटिंग लॉग ऑन सिक्योरिटी रीजंस, ओके पे कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपका यहाँ पर फुल डिटेल्स यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका नेम जो है शॉर्टकट में दिखाई देगा और आपका RTO कोड और आपका जो व्हीकल क्लास है वो सब कुछ, इश्यू डेट कब का है और वैलिड कब तक है और आपका जो RTO कौन सा है ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे टैप चेक ड्राइविंग इम्पाउंड डॉक्यूमेंट स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो जो डॉक्यूमेंट स्टेटस है वो दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिसेंट सर्च यानी यहाँ पे रिसेंट किसने सर्च किया इसका भी नाम दिखाता है यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपको अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अगर चलन है तो आप यहाँ से व्यू चलन क्लिक करेंगे। व्यू चलन यहाँ पे देखिए व्यू चलन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए नो चलन डिटेल्स फाउंड अगेंस्ट द सर्च ड्राइविंग लाइसेंस, इसके इस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपका जो है कौन सा भी चलन नहीं है इस तरीके का शो कर रहा है। और उसे आप क्या करिए, आपको जो है ऐड टू डैशबोर्ड
फॉर वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए गो टू डैशबोर्ड टू चेक योर ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स, ओके पे कर देना है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पे आ चुका है, हमारा डैशबोर्ड पे जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको QR कोड और यहाँ पे आपका नेम ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में नीचे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए QR कोड सक्सेसफुली सेव्ड इन इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे जैसे व्यू करेंगे आपको इस तरीके का जो कोड है यानी बार कोड है दिखाई देगा। आप इसे कहीं पे भी यानी आपका देखिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, या इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप अपडेटेड यानी यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड यहाँ पे इस तरीके का आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड में हमारा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है दिखाई दे रहा है। हम अगर चाहते तो यहाँ पर RC पे क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे RC नंबर फिल करना है और सर्च पे कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आ चुका है उसी तरह से आपको RC नंबर जो है आपका RC कार्ड आपके बाइक का या फिर गाड़ी का वो आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है यम परिवहन सेवा का लाभ उठा सकते हैं और आपके ड्राइविंग लाइसेंस को आप अपने साथ ही ले जा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।